रंगीन फूल बने अंगारे, बेगुनाह कैदी उर्फ डाकू। रिक्रेशन एजुकेशन एंड मोटिवेशन, शिक्षा मनोरंजन आदि पीड़ा के साथ आज की रात्रि में हमारी पार्टी से इसी गोल्डन रंग मंच पे संगीत पेश की जाती है। मार धार से भरपूर स्टाइल रोमांटिक बाजी के साथ, गोलियों की बौछार के साथ, तलवारों की झनकार के साथ आज की रात्रि में हम तुम्हारे साथ हम 2 घंटा खड़े खड़े होटल पी आई थी। अरे होटल में चाय पी जाते जुलम कबूल करते हो नहीं करते हो? कैसे जुलम के बाल कंचन नहीं जुलम कबूल कर लो, क्योंकि हम जानते हैं कि आतंकवादी साले अपना सर कटा देते हैं लेकिन जुलम नहीं कबूल करते। साहब मुझे गुनाह कैदी मत बनाइए, छोड़ दीजिए साहब। गुनाह तुम्हें हथियार बरामद हुए हैं, ऐसा करो तुम मानोगे नहीं, हम साले तुम्हारे गोली मार देंगे, कह देंगे कि साला भाग रहा था हमने सर गोली मार दिया। नहीं साहब मुझे गोली से मत मारना। गोली से नहीं, मैं इस आतंकवादी को गोली मारकर दुनिया से जुदा कर दूंगा और क्या। सकल बहुत अरे नहीं नहीं, वही जुल्म करने वाला हंकर उठाओ जरा। तो हमने तुमको तो मारा नहीं। अच्छा हमको तो मारो नहीं, हमें तुमने हमें मारा ही नहीं, नहीं, नहीं हमने इस तरीके से लॉकअप के अंदर तुमने टॉर्चर किया है जिसकी दर्द हमारे ही दिल से पूछा जाए। अरे भैया तो ऐसा लगता था कि आप ही इसी वक्त हमारे प्राण निकल जाएंगे। क्या नाम बताया था तूने? हमारा नाम है लोटा राम उर्फ पेलू। लोटा राम उर्फ पेलू, आप कहें तो आप ले लो। परमहंस के बाप क्या कह रहे थे तुम? क्या कह रहे थे? तूने मुझे आतंकवादी बनाया था ना? चलो एक काम करो, क्योंकि तुम लोगों ने हमारे साथ ही बहुत ही बड़ी बदतमीजी किया है। अच्छा हम जब तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम्हें नहीं मारेंगे। क्या हुआ? जितना कहूंगा उतना तुम लोगों को करना होगा। तुम एक काम करो, करवाओ करवाए। चलो अपनी बेल्ट खोलो, पहले बेल्ट खोल खोल बेल्ट खोल। खुल गई बेल्ट, खुल गई कांटा खोलो।
खोल दिया, खोल दिया है। अखबार करके चंटू चलो खसका पॉइंट नीचे, खसक गई, बैठो वहां। चौकीदार इधर आओ, तुम्हारे लिए तो आराम का सौदा है। यहां इसकी हालत लोटाराम और पेलू की कैसे बैठे हैं, तो जितना हम कहेंगे उतना तुम्हें ही करना होगा। चलो नारा खोलो, नारा खोलो, खोलो खोलो। गया ताकत आज आज हाथ रखा पिंड पाए जाइए। देख रहे लोटाराम की पॉइंट खोले बैठे, इसी पर बैठो, बैठे हम बैठो, हम सरकारी अपनी हम सरकार का नदमी तो नहीं बैठोगे। चौकीदार भैया हम तुम्हारे सर पर खड़े हैं, तो खड़े रहो, हम तुम्हारी मौत बनकर तुम्हारे सर पर खड़े हैं, काश अगर जरा भी आवाज निकाला तो इधर से गोली चलेगी निकलेगी तुम्हारे लोटाराम की, अगर मुख से आवाज निकल गई तो सारी दुनिया से तुम लोगों की। चौकीदार साहेब देख गवा साहेब अबई नाई का अब चला गा हुई अबई साहेब ठाणा। चौकीदार साहेब अब देख गवा अब धीरे धीरे चार। चौकीदार साहेब अब चला गा हुई अबई नाई अब धीरे धीरे चाटते आए अब पूरा चला गया। चौकीदार बोलो टराम सची कहू तो चौकीदार चौकीदार सब क्या है, ये कौन से फिल्म का ट्रेलर चल रहा था? चौकीदार लोटाराम आई लव यू सर, आई लव यू के बच्चे, आई लव यू बता रहा था। आई लव यू का मतलब आई एल यू, आई एल यू किसने मारा है? शंकर ने, शंकर ने तुम लोगों को मारा जबकि बेहोश था, जोश में आ गया। हाँ हम लोगों को बहुत मारा, होश में आने के बाद तुम लोगों को मारा। लोटाराम ने कहा अब हम तुझे गोली मार देंगे,
वैसे कैसे? ताकि तू जुल्म फल नहीं करेगा, हम तुझे गोली मार देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, राम छीन ही अपना राइफल इस पे ताना, फिर जस गोली चलाना था सच से छीन लिया। वही सरकार ने? जी साहब, छीन लिया। बहुत इनका पेलिस लूटा राम को। आज मैं कह चल पॉइंट खोज। लूटा राम से कहने लगा, लूटा राम से या कई लातम सत्तर पॉइंट खोज। हाँ कई पॉइंट कहीं हम सरकारी आदमी बैठे बा ही नहीं, फिर या कलात हमारी सत्तर पॉइंट खसका के बैठे गए। लूटा राम ने हमकावा देख के चौकीदार पहुंचे मारे मारे हमको हन के लिए से। तुमको भी मारा? कई चल नारा खोल। फिर हम कहें हम सरकारी आदमी आन। बिल्कुल सही बात, हिम्मत को नहीं हारा। हम कहें नारा फिर मैं खोलगा। सब बात एक लात हमारी सच्चे खोल दे। एक लात हमारी साले बरी के साले उल्लू पट्टी। नारा ना खोलती तो जानू गवाई दी। कहीं लोटा राम के ऊपर भाई हम कहें आज पूरी खापा नहीं आई पे है हमार। अच्छा एक लात हमारी सच्चे बैठे गए। फिर उड़ाए दी कहीं तुम्हारे पीछे ठाण हन, अगर आवाज निकली तो चौकीदार तुम्हारे हलके भी और लूटा राम की निकली। तो वही कह रहे थे गया है कि नहीं गया भाई साहब। अरे नालायक, बात पुष्कर से शंकर नाम का मुजरिम को हमने अरेस्ट किया था और तुम लोगों के वजह से फरार हो गया। कितना समय हुआ है? बस 5 मिनट। 5 मिनट में शंकर काफी दूर नहीं निकला होगा, इसलिए सभी लोग शंकर का पीछा करो। हम पीछा नहीं कर पाए। क्यों? हमको इतना मारा है शंकरवा ने कि हमारी टट्टी हो गई। टट्टी हो गई? चलो टट्टी साफ करो अपनी। चौकीदार चलो, शंकर को पीछा करते हैं, शंकर को किसी हालत में निकलने नहीं देते हैं। चलो जो कमान आकर दोबारा हाथों में पड़ी डाल दे, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। लगता वो सामने से जीप आ रही है। दिल में आता मस्जिद की सारी गोलियां तेरे पे उतार दो नालायक कहते। किसको? शंकरवा को हमने पकड़ा। शंकर गेरा, ये शंकर है? ये तो तू तो आप कह रहे। अरे नालायक बेहुदे, जैसे ही शंकर के गिरेबान पे मेरा हाथ पड़ा। सॉरी, अब सोचा साहब गिरा ही लगी। हम आंखी मीच का मार अंधे हो, दिखाई नहीं पड़ता कि शंकर है। तेरा मार ही पाए ना तेरा मारे शंकर वक। शंकर को मारा? एक बात अपनी कान खोलकर सुन लो साहब, तुम रहो। शंकर के गिरेबान पे हाथ ऐसे ही पड़ा और तुम साले पीछे से हमारा पैर पकड़ लिया। वो साला जूता निकाल रहा है शंकर, देख अपना शर्ट उतार के फरार हो गया। चालान कर दो। चालान का? इस शर्ट का चालान करूं? अदालत के कटघरे में तुम्हारी माँ खड़ी हो जाएगी। नालायक कहीं के। चलो शंकर का पीछा करते हैं। शंकर Thank you.
का खून? ये कैसा खून है रे? साहब लाल है। लाल नहीं है, ये शंकर के रंग रंग में दौड़ रहा है गंदा खोल। शंकर की गोली लग चुकी है, शंकर काफी दूर नहीं जाएगा, इसलिए शंकर को किसी हालत में हम छोड़ने वाले नहीं है। शंकर का पीछा करो। शंकर सामने हमारा गांव चंदनपुर दिखाई देता है, इस गोली का जहर जिसमें फैलता ही चल रहा था, मैं अपने गांव में जाऊंगा। लोटा राम इस सामने गांव चंदनपुर दिखाई दे रहा, शंकर इस गांव की तरफ जा रहा है, चलो चारों तरफ से इस गांव को घेर लेते हैं। चलो आओ राम। ये किस जन्म का तूने बदला लिया, ना तो मैं शंकर के परिवार की हिफाजत कर सका, ना ही तो उनसे मुलाकात हो रही, कहां ढूंढूं शंकर को समझ में नहीं आता, कहां ढूंढूं? और वो शंकर रे ये मुझे दे डाला। लोग कहा करते थे कि बनी बनी चेहरे के लाखों निशान होते, बनी बिगड़ जाती तो दुश्मन हजार होते। अच्छा मैं टूट कर बिता गया कि तू अपने हाथों से उठा नहीं सका। अरे तू दोस्त नहीं बल्कि दोस्ती के नाम पर एक बदमा दाग दाए। अरे तू अपने आप को सच्चा मुसलमान कहता था। अरे मुसलमान नहीं तू कसाई है, कसाई। तुम्हारे पास मुसलमान का ईमान जिसका सच्चा होता है वही सच्चा मुसलमान होता है। शायद तुझे नहीं मालूम कि तेरे चले जाने के बाद ये हुसैन क्या बीत गया क्या नहीं बीता है। न जाने अनजाने मैं तुझे क्या क्या नहीं कह जाना। एक दिन का जिक्र है मेरे भाईजान, तेरी बहन तुलसी को बादल छेद रहा था और मैं उसी वारदात पे पहुंच गया। मैंने तेरी बहन को बचाया, बचाने के साथ साथ में हाथापाई हुई बादल से और मैंने उसे मार मार करके अपनी बहन के पैर छुआ।
छूने के बाद वो तो चला गया, लेकिन वो अपने पिता भैरव सिंह से बताया। भैरव सिंह आज बबूला हो गया, और आज बबूला हो करके तेरे मकान पे जब आया तो तेरी जो 10 बीघे जमीन पड़ी थी वो जबरदस्ती अंगूठा लगवा रहा था, उसी वारदात पे मैंने बादल का गला काट दिया। उसी वक्त उसने रिवॉल्वर निकाल करके तेरी माँ की गर्दन पे लगा दिया। लगाने के बाद मैंने उसे माता पाई हुई आता पाई के साथ साथ बादल दिखे तलवारों से मेरे दोनों हाथ छुटा। की कसम मुझे, मैं तेरे कौन की बहुत की कीमत को निभाऊंगा। मैं इन बाजों की कीमत उस बादल से चुकाऊंगा। नहीं नहीं, तेरे माँ बाप को उन लोगों ने गोली दे। बाजान, हम भी आज एक शंकर आम इंसान नहीं रहे, हम पर एनडीपीएस आतंकवादी का केस लगाया गया है। मैं भागा हुआ पुलिस से एक मुजरिम हूँ, क्या मतलब मेरे पीछे इंस्पेक्टर धीर बहादुर लगा हुआ है। बहादुर लगा हुआ है? हाँ, लगता है वो अच्छी आपके मकान की तरफ आ रही है। सामने नजर डालो, वो पुलिस की सीटी लग रही है। लेकिन इनकार, मैं भागा क्या नाम है तेरा? मोहम्मद हुसैन। यहाँ पर शंकर नाम का कोई मुजरिम आया है? क्या मतलब? शंकर नाम का मुजरिम आया है? नहीं नहीं सर, यहाँ कोई मुजरिम नहीं आया। ए मुल्ला, झूठ बोलता है? नहीं, मैं झूठ, जबकि खून के चीजें बता रही, तेरे मकान की तरफ आया है शंकर। हो सकता है कोई आया हो मकान के तरफ से और निकल गया हो, मैंने देखा नहीं। देखा नहीं है? नहीं देखा। शंकर नाम के मुजरिम को तुम जानते तक नहीं हो? नहीं ना ही तो यहाँ पे आया है। नहीं आया यहाँ। एक काम करो। क्या? मानता हूँ हमने सुना है कि मुसलमान अपने धर्म और ईमान के लिए अपनी जान को खो देते हैं, लेकिन पर झूठ नहीं बोलते। ठीक कहा आपने सर। सच है ना? तो फिर तुम मुल्ला वही काम करो, उस खुदा पाक की अपने कसम खाओ और ये कहो कि यहाँ पे शंकर नाम का मुजरिम नहीं आया है। नहीं तो भोसड़ी के डाले के हाथों में हथकड़ी का खींचते ले चलेंगे। या अल्लाह परवरदिगार, मैं उस खुदा पाक की कसम खा के कहता हूँ कि यहाँ पर शंकर नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। सच का समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। ठीक है मुल्ला, एक बात है, हम तुम्हारी बात पे यकीन करते हैं, लेकिन शंकर नाम का मुजरिम काश में दिखाई तक पड़ जाता है तो पुलिस को सूचित करना। बिल्कुल करूंगा। अगर सूचित नहीं किए, गुमराह रहे, तो उसी के केस में रख देंगे। अंतरराष्ट्रीय एनडीपीएस का केस उसमें लगा है। समझ लेना मेरी बात को मुल्ला, ध्यान रखना। समझ गए? बात करना वर्ता अंतरदेशी एनडीपीएस में रख दी। अल्लाह परवरदिगार, मेरे शंकर की हिफाजत करना, वो जहां कहीं भी रहे खुशहाल रहे। या अल्लाह परवरदिगार, ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ, ना तो किसी की मदद कर सकता हूँ। दोस्तों मैं बहुत परेशान हूँ, और बना के क्यों बिगाड़ो नसीबा ऊपर वाले।
मेरे माँ बाप को दुनिया से जुदा किया है, उसी तरीके से मैं तेरे खानदान को मिटा दूंगा। मैं तुझे चिंता नहीं छोड़ूंगा पारा। अरे हमरा बेटा बादल सिर कहाँ है समय रे? आप तो जानते हैं जोले काम से बाद बादल जाते हैं वो कम बगैर चलो गेट की ड्यूटी करो। बैठाओ बैठाओ तूने बूढ़े बाप पे और किया है अत्याचार, छोड़ो काम तुझको नहीं और वो बाजी दुनिया से जुदा किया है, उसी तरीके से मैं तुझे जुदा कर दूंगा। भाग सकता है तो भाग, भाग दासरी शंकर जुबान नहीं हिल रही। शंकर आए शंकर जान से मारने जा रहा था। तुम्हें जान से मारने की कोशिश की? हम सिर से मार रहा था ना। मैं शंकर को जान से मार दूंगा नौकर रे। मेरे पिताजी का ख्याल रखो, मैं भी शंकर का पीछा करता हूँ। रुक जाओ। बहुत डर लग रहा है। दुनिया बहुत बड़ी है, तेरे कदम छोटे हैं। रुक जाओ। को खाक कहते हैं, उसी खाक से बना है जिसे ठाकुर बादल, ठाकुर बादल सिंह कहते हैं। नौकर देखो ले शंकर का गंदा हुआ। इस खून को देखकर प्रतीत हो रहा है क्या कि शंकर ठाकुर बादल सिंह की गोलियों का शिकार हो गया। अगर ये मेरी गोली से बच जाएगा तो देख रहे हो इतनी ऊंची पहाड़ी है, सच कहा, पहाड़ी से नीचे गिरकर आवाज से मर जाएगा। बिल्कुल नौकर, तुम्हें मालूम होना चाहिए सारी फसाद की जड़ तो वो साली अंधी है। सच कहा छोटे माली। अगर तुलसी के खातिर इस रियासत में मेरी बेइज्जती नहीं हुई होती तो हम शंकर को माफ कर देते। शंकर तो मेरी गोलियों का शिकार हो गया, अब बची है वो तुलसी। सच कहा। चलो आज हम तुलसी की रंगीन जवानी नींबू की तरह निचोड़ कर बर्बाद। अरे नाम है मंगल से जमाना काम जाता है। अरे नाम है मंगल से जमाना काम जाता है। ऐसे फुसफुस कर जस्ता हो जैसे जहरीला। कोई साथी अड्डे तक नहीं पहुंचे।